चोपड़े लोग आते हैं या माता जी के करणी जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, वही प्रसाद गाबा खा रहे हैं, ये प्रसाद हम खाते हैं, किसी प्रकार की कोई कुछ भी नहीं होता क्योंकि हम हमारा परिवार है। प्रसाद भी मानते हैं, बाबा भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डिजीज नहीं होती, कोई महामारी नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पूर्वज है, ये हम लोग हैं, हमारा सारा सब चीज़ यही सिस्टम यही है, लेकिन ये हम इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज है, हमारे सारी फैमिली यही रहती है, जैसा कर्म करते हैं वैसा स्थान मिलता है। थोड़ा पुजारी परिवार है तो लोग यहाँ जो आते हैं माँ के दरबार में या इनके मिलने वाले जो पुजारी परिवार हैं तो इनको खाना खिलाते हैं। ये माता जी की कर्म भूमि है, वर्तमान में माता जी की यहाँ प्रतिमा लगी है, ये निज मंदिर है जो गर्भगृह है, माँ करणी जी यहाँ सह शरीर से 100 साल इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी, जिन यहाँ रहते थे, और वर्तमान में आज माता जी की यहाँ प्रतिमा लगी है। ये जो आप देख रहे हैं चट्टाने, एक के ऊपर एक चट्टाने जिसमें चूना सीमेंट किसी प्रकार का लेप नहीं है, और करणी जी के हाथों के द्वारा ये एक के ऊपर एक रखी हुई है, और साइड में जाल उसकी लकड़ियां हैं, और माँ करणी जी यहाँ रहते थे। उस समय करणी जी ने यहाँ अराजकता का माहौल था, सुशासन की कमी थी, तो करणी जी ने यहाँ राज व्यवस्था, राजाओं को राजा बनाया, बीकानेर के राजाओं को आशीर्वाद दिया, जोधपुर के राजाओं को आशीर्वाद दिया, और उन फोर्टों की नींव लगाई, खूब सारे चमत्कार माता जी ने किया था, और 100 साल यहाँ रहे थे। अब लोग भक्त लोग आते हैं यहाँ माता जी के करणी जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, वही प्रसाद गाबा खा रहे हैं, ये प्रसाद हम खाते हैं, किसी प्रकार की कोई कुछ भी नहीं होता क्योंकि हम हमारा परिवार है। ये देखो जो काबा खाते हैं, अमली लड्डू पेड़ा सब खाते हैं, कोई बीमारी कुछ भी नहीं होती। वापिस कौन पंजाब जाओ लुधियाना। हम जी चरणाम आते हैं, हम जितने भी लोग आते हैं करणी जी के परिवार से श्रद्धालु, जो भी जो महावीर जानकारी है माँ करणी जी के बारे में, जो ये चरणामत लेते हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, शरीर की सारी वेदना सारे कष्ट कट जाते हैं। माँ करणी जी के दर्शन करने के पश्चात लोग जो आस्था रखते हैं, उनके कोई बोलवा होती है, कोई मन्नत होती है, तो काबू के लिए विटामिन युक्त चने और ये मिठाई तो कम डाल लीजिए, उनकी जरा से शुगर हो जाती है, बाकी इनके जो अंकुरित धान है जैसे मोठ है, चना है, बाजरा है, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, नमकीन में और ड्राई फ्रूट्स ये काबा को डाला जाता है, इनकी हर सेहत सही तरीके से बनी रहे, उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। लेकिन ये देखिए इनके लिए पत्र बनाए हुए हैं जिसमें लोग भक्त लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको खिलाते हैं, यहाँ देसी घी से मिठाइयाँ बनी होती है, वो चढ़ाई जाती हैं काबों को, माता जी को चढ़ाने के बाद काबों को डाली जाती है।